नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग लंबे समय तक खिंच गई है। न ही रूस पीछे हटने को तैयार है और न ही यूक्रेन झुकने को तैयार है। अभी तक जहां रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा था, लेकिन यूक्रेन की सीमा से जुड़े हुए रूसी शहर बेलगोरोद के गवर्नर ने दावा किया है कि शहर के एक तेल डिपो पर यूक्रेनी सेना ने एयर स्ट्राइक की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जहां लगातार यूक्रेन रूस के अटैक का सामना कर रहा है, वहीं अब यूक्रेन के हेलीकॉप्टरों ने रूसी शहर के तेल टैंक पर एयर स्ट्राइक की है। यह शहर यूक्रेन की सीमा से 12 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन द्वारा की गई एयर स्ट्राइक का वीडियो भी सामने आया, जिसमें हमले के बाद घटनास्थल से आग का गोला बने तेल टैंक को देखा जा सकता है। इससे काफी धुआं निकलता भी दिख रहा है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि हमने दुश्मन की अपेक्षा से अधिक इस जंग को सहन किया है। वे सोचते थे कि 3 से 5 दिन यूक्रेन पर कब्जे के लिए पर्याप्त होंगे, लेकिन हम 36 दिन बाद भी खड़े हैं और आगे भी डटे रहेंगे। वहीं रूस के खिलाफ अमेरिका और नाटो देश कई प्रतिबंध लगा रहे हैं। अब आर्थिक प्रतिबंध लगाने वाले देशों में जॉर्जिया भी शामिल हो जाएगा। जॉर्जिया के राष्ट्रपति की ओर से ऐलान किया गया है कि जॉर्जिया रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लागू करेगा। हालांकि अभी तक इस देश ने प्रतिबंधों को लागू करने से इनकार किया था। इसके साथ ही अमेरिका ने रूस की टेक्नोलॉजी कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। जानकारी के अनुसार नए प्रतिबंध 34 संगठनों और कई व्यक्तियों पर लगाए गए हैं। इनमें ऐसी कंपनियां भी हैं जो डिफेंस सेक्टर के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती हैं। वहीं बात करें रूसी हमले की, तो इस जंग में दोनों देश की सेना के साथ आम लोगों को भी जानमाल का भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस के मुताबिक रूसी हमले में अब तक 153 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 245 से ज्यादा बच्चे घायल हैं। इसके अलावा कई नागरिकों ने भी अपनी जान गंवाई है। लाखों लोग यूक्रेन से पलायन कर चुके हैं। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।